Hello students, so we were studying history and history and the topic to be read was France abolishes monarchy and becomes republic. France monarchy को abolish करता है जो कि king rule वहाँ चला आ रहा था, constitutional monarchy चली आ रही थी, उसको abolish करता है, ख़त्म करता है और एक republic state बन जाता है और अपनी खुद की government बना लेता है. But before studying this topic, let's have a quick review of the chapter. कि अभी तक क्या क्या हुआ. ओके, सो हियर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1774. यू कैन सी हियर 1774 में क्या हुआ था कि लुई 16 जो थे वो फ्रांस के किंग बन गए थे. उन्होंने एम्प्टी ट्रेजरी फेस करी थी क्योंकि वॉर हुआ था, जिसके कारण जो फ्रांस था वो बहुत सारे मिलियन लेवायर्स के कर्जे में डूबा हुआ था. एंड डिसकंटेंट ग्रो हो रहा था सोसाइटी में ओल्ड रिजाइम के तहत. राइट नाउ उस टाइम पे किंग फ्रांस किंग लुईस 16 जो थे उनके अंडर थ्री स्टेट्स फॉर्म हुए थे. थ्री स्टेट्स कौन कौन से थे? एक फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी पीपल का, सेकंड स्टेट था नॉबिलिटीज का, एंड थर्ड स्टेट जो था उसमें कंटेन उसमें कौन कौन होते थे? बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल पीजेंट्स, आर्टिसियंस, जो कि बेसिकली एजुकेटेड लोग थे. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन मनार्की चली आ रही थी उसके तहत क्या हो रहा था कि उसमें एक राइट था कि तीनों स्टेट्स की तरफ से एक ही वोट दिया जाएगा, जबकि जो एजुकेटेड पीपल थे वो थर्ड स्टेट में थे और वो इस चीज़ से डिसकंटेंट कर रहे थे. तो उन लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया और 1789 में जो थर्ड स्टेट्स थे वो उन्होंने मिलकर एक नेशनल असेंबली बना ली. उन्होंने बेस्टाइल को रीस्टॉर्म कर दिया. पीजेंट्स रिवॉल्ट, पीजेंट्स जो थे बेसिकली उसमें पीजेंट्स थे, पीजेंट मतलब कि जो पंडित लोग होते हैं, उन्होंने रिवॉल्ट किया कंट्री साइड में. रिवॉल्ट मतलब विद्रोह किया कंट्री साइड में और अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली. नाउ उन्होंने नेशनल असेंबली बनाने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और वो नए कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में फ्रेम हुआ उसने उसका बेसिक एम क्या था कि किंग की जो पावर्स है उसको लिमिट करना और ह्यूमन बींग्स को बेसिक राइट्स देना. तो फ्रांस जो था वो 1792 और 93 में रिपब्लिक बन गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बेसिक राइट्स क्या थे कि जो लोग एक्टिव पीपल थे जो 25 की एज के ऊपर थे और वो भी सिर्फ मैन, उनको राइट टू वोट था और वो लोग ही वोट करते थे. और अब कॉन्स्टिट्यूशन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था. ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से थे? ये थ्री पार्ट्स थे, फर्स्ट था लेजिस्लेचर, सेकंड था एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड था जुडिशरी. यही एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो लेजिस्लेचर को भी वोट करके इलेक्ट करते थे और वही पीपल जुडिशरी को भी वोट करके इलेक्ट करते थे और लेजिस्लेचर कंट्रोल देता था किंग के हाथ में जो कि एग्जीक्यूटिव हुआ करता था. सो बेसिकली किंग को भी किसके लेजिस्लेचर के बातें माननी पड़ती थी. ओके, सो यहाँ पे भी 25 की एज के ऊपर जो मैन थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, उन्हीं को माना जाता था, जो कि एक लेबरर्स की वेज का 3 डेज वेज का के इक्वल टैक्सेस पे करते थे. उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था और उन्हीं को राइट टू वोट गिवन था. ओके, सो कुछ सिंबल्स थे यहाँ पे जो कि शो करते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्रीडम होगा, यूनिटी होगी. ट्राइंगल शोज द पार्ट ऑफ यूनिटी. ओके, सो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं एंड नाउ वी आर स्टडिंग फ्रांस अबॉलिशेस मनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. अभी भी जो एग्जीक्यूटिव के तौर पे मनार्कियल रूल चला आ रहा था उसको फ्रांस ख़त्म करता है और रिपब्लिक स्टेट हो जाता है. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग फॉलोइंग ईयर्स. फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो आगे आने वाले कई सालों में और भी टेंस हो चुकी थी. ऑल्दो लुईस 14 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुईस 14 ने जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर लिया था लेकिन उसके बाद भी वो सीक्रेट नेगोशिएशंस के
में था विद द किंग ऑफ पर्सिया, मतलब पर्सियन के साथ भी वो एग्रीमेंट करते थे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द सिंस द समर ऑफ 1789 की समर में जो फ्रांस में इंसिडेंट्स होते जा रहे थे उसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज जो थी वो भी वरीड थी, क्योंकि लोग माइग्रेट होकर नेबरिंग कंट्रीज में जा रहे थे। उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे ट्रूप्स भेजेंगे, ट्रूप्स मतलब सेना भेजेंगे, ताकि ये सब जो चीज़ें हो रही है फ्रांस में वो ख़त्म हो पाए। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि वो ट्रूप्स भेजते, नेशनल असेंबली ने क्या किया कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर क्रिएट कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, बहुत सारे हज़ारों वॉलंटियर्स जो थे, हज़ारों की भीड़ में जो वॉलेंटियर्स थे उनको प्रोविंसेस के थ्रू आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसिस ऑल ओवर यूरोप। उन्होंने इसको कैसे देखा कि ये वॉर है किसके अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट है और एरिस्टोक्रेसिस के अगेंस्ट है पूरे यूरोप में। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग एज वेल एज मार्सेलिस कंपोज बाय द पोएट रोजर डी एल इस्ली। इसके अंदर एक पेट्रो जो मार्च करते करते ये लोग रिवॉल्ट करते करते कुछ सॉन्ग्स गाते थे, देशभक्ति के सॉन्ग्स गाते थे जिससे कि उनको इनकरेजमेंट मिलता था। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ साथ वो लोग मार्सेलिस को भी गाते थे। मार्सेलिस एक सॉन्ग था जो कि पोएट रोजर डी एल इस्ले ने कंपोज किया था। इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलेंटियर्स फ्रॉम मार्सेलिस एज देवर मार्च इन टू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। सो मार्सेलिस बेसिकली मार्सेलिस नाम की जगह पे वॉलेंटियर्स ने गाया था और मार्सेलिस को बाद में नेशनल एंथम बना दिया गया फ्रांस का। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, मार्सेलिस। द रिवॉल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। जो रिवॉल्यूशनरीज ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुए थे उन्होंने लोगों को लॉसेस, नुकसान और काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज पहुँचाई थी। वाइल मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वीमेन वर लेफ टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग एंड लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। सो जब लोग वहाँ के मैन जो थे वो फाइट कर रहे थे बॉर्डर्स पे, तब वहाँ की जो विमेंस थी उनको किस लिए छोड़ दिया गया था घरों में, कि अर्निंग अ लिविंग, अपने घर को चलाएं, अर्न करें और एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज की देखभाल करें। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। बहुत सारे पॉपुलेशन के बड़े बड़े सेक्शन को कन्विंस किया गया था कि इस रिवॉल्यूशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और मोनार्कियल रूल को ख़त्म करना चाहिए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि नेशनल असेंबली ने फॉर्म किया था, उसने क्या किया था, पॉलिटिकल राइट्स किसको दिए थे। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने किसको पॉलिटिकल राइट्स दिए थे, सिर्फ रिचर सेक्शंस को। 25 ईयर्स से ऊपर वाले वो मैन थे जो इतने टैक्सेस पे कर सकते थे कि जो कि एक लेबरर की 3 डेज की वेजेस के बराबर होता है। अगर वो इतने टैक्सेस पे कर सकते हैं तो वो एक्टिव सिटीजन हैं और वो राइट टू वोट उनको मिल जाता है। सो इस चीज़ से प्रोटेस्ट करने के लिए जो पॉपुलेशन थी, वो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कन्वेंस किया जाता था कि अब रिवॉल्यूशन करना ज़रूरी है, विद्रोह करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिटिकल क्लब्स एक इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट बन चुके थे। अब रेलिंग पॉइंट मतलब कि लोगों में जो इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, उसको इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा पॉइंट बन चुके थे पॉलिटिकल क्लब्स, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और अपने खुद के एक्शन के जो फॉर्म्स होते हैं उनको प्लान करना, उस एक्शन को प्लान करने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुके थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। नाउ दिस जैकोबिन्स पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैकोबिन्स कौन होते थे, वहाँ की सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल
पार्टीज मान सकते हैं। जैकोबिन्स नाम कहाँ से आया? विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। पेरिस में जो संत जैकोब का कॉन्वेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं वैसे वहाँ पे सेंट जैकोब का एक कॉन्वेंट इंस्टीट्यूशन था। तो उस सेंट जैकोब के ऊपर इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जैकोबिन्स। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरी पीरियड के दौरान जो वीमेन होती थी उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स बना लिए थे, फॉर्म देयर ओन क्लब्स। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। इस चैप्टर का सेक्शन 4 जो होगा वो उनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। सो द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स होते थे ये मेनली किसको बिलोंग करते थे? जो लेस प्रॉस्परस पीपल होते थे सोसाइटी के उनको बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड, उनके अंदर कौन कौन रहते थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस होते थे जो कि अपनी आर्ट के थ्रू अपना घर चलाते थे, शू मेकर्स, पेस्ट्री कोक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये सभी लोग क्या करते थे? ये सभी लोग जैकोबिन क्लब्स में बिलोंग करते थे। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉस्पायरे। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायरे जो था वो जैकोबिन क्लब का लीडर था। अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स की जैसे ही जो जैकोबिन्स का बहुत बड़ा ग्रुप था उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। नाउ इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि एक सेंस कोलोट्स का कपल है। कि जो मैन है और वीमेन है उन्होंने स्ट्रिप ट्राउजर्स एंड स्कर्ट पहने हैं। सो दिस आर द पीपल ऑफ जैकोबिन क्लब्स। एंड जैकोबिन क्लब्स को ही सेंस कोलोट्स भी कहा जाता था। ओके, सो आगे की बात करें, दिस वॉज सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये किस लिए उन्होंने फैशनेबल सेक्शंस जो थे सोसाइटी में उससे अपने आप को अलग रखने के लिए स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने का डिसाइड किया था? स्पेशली नॉबल्स हु वर नी ब्रीचेस, स्पेशली नॉबल्स से अलग रहने के लिए जो कि नी ब्रीचेस थे, जो कि डाउन पीपल जो होते हैं हम लोग बोलते हैं कि जिनकी कास्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उनकी जैसे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वाइडेंड बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। ये एक वे था कि जो पावर नी ब्रीचेस, सो बेसिकली नी ब्रीचेस वो लोग होते थे जो कि घुटने तक के पैंट्स पहनते थे, नीज तक के पैंट्स पहनते थे। उनसे खुद को अलग शो करने के लिए जैकोबिन्स ने स्ट्रिप पैंट्स पहनना, स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया था। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर विल्डेड बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। ये जो पावर नी ब्रीचेस पहनने वाले जो लोग होते थे उनको जो पावर था उनको विल्ड करने के लिए एक प्रोक्लेम था, एक घोषणा थी कि सभी लोग यूनाइटेड हैं, सभी लोग यूनाइटेड हैं एंड वी हैव टू गेट रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस कोलोट्स। नाउ इन जैकोबिन्स को क्या बोला जाता था? सेंस कोलोट्स भी बोला जाता था। लिटरली मीनिंग, उनका मीनिंग लिटरली होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस यूज़ नहीं करते हैं। सेंस कोलोट्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। सेंस क्लोथ्स क्या करते थे वो उसके साथ में जो स्ट्रिप पैंट्स होते थे उनके साथ में रेड कैप भी पहनते थे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि सेंस क्लोथ्स के थ्रू दिखाई देते हैं, जैसे कि एक रेड कैप है, एक पीछे जो पिरामिड है वो बेसिकली एक ट्राइंगल है जो कि लिबर्टी शो करता है। वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। वीमेन्स को स्ट्रिप्ट ट्राउजर्स पहनने के लिए अलाउड नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 के समर में द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पारिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाइज ऑन हाई प्राइसेस ऑफ फूड। उन्होंने जैकोबिन्स ने क्या प्लान किया? एक विद्रोह प्लान किया। किसको लेकर?
लार्ज नंबर ऑफ पारिसियंस, पारसी लोग थे बहुत सारे जो कि एंगर थे, गुस्सा थे किस चीज़ को लेके, फूड्स की हाई प्राइसेस को लेके और उनके शॉर्ट सप्लाई को लेके गुस्सा थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की मॉर्निंग में उन्होंने जो पैलेस थे टुलरीज़ के जो पैलेस थे, जो वहाँ के महल थे, उन पे स्टॉर्म किया था, अटैक कर दिया था, मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, किंग के गार्ड्स को भी मार दिया था, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ विद द होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक उन्होंने किंग को भी बंदी बना के रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, वो जो रॉयल फैमिली थी, रॉयल फैमिली की गलती क्या थी कि उन्होंने प्राइसेस ऑफ फूड जो थी वो अपनी ही मर्जी से हाई कर दी थी और फूड का जो सप्लाई था वो कम कर दिया था। तो जो असेंबली थी, असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डालने के लिए वोट कर दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस फिर से हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल ऑफ मैन 21 ईयर्स एंड अबव, अब चेंजेस क्या आया कि अब से सभी मैन 21 ईयर्स की अबव की एज के जो थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उनकी वेल्थ के अजम्पशन के बिना, उनके पास कितनी भी वेल्थ हो, कितना भी टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट दिया जाता था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792, नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, द 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक, इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश, मोनार्कियल रूल को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक देश घोषित कर दिया। एज यू नो रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड के साथ वहाँ के लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ रिपब्लिक स्टेट। There is no hereditary monarchy. Hereditary monarchy मतलब पहले राजाओं में क्या होता था, जब राजशासन होता था तब क्या होता था कि उनका ही बेटा राजा बनता था, तो ये कोई hereditary monarchy नहीं होती थी अब government में। You can try and find out about some other countries, कुछ other countries के बारे में भी हम लोग find कर सकते हैं that are republics and investigate when and how they become so. जो रिपब्लिक हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कब वो रिपब्लिक बनी और कैसे बनी। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन मतलब बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, मतलब खुद की कंट्री के साथ धोखा करना, देशद्रोह के इल्ज़ाम में उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। On 21 January 1793 he was executed publicly at the place Dar-e-Concord is place पे उनको publicly फांसी दी गई on 21 January 1793। Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि monarchical rule ख़त्म होता है और क्या start होता है, रिपब्लिक स्टेट स्टार्ट होता है। द क्वीन मैरी एंटोइनेट जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, जो उन्होंने मैरी की थी लुईस सिक्सटीन की, जो कि वाइफ थी उनकी, प्रिंसेस थी, और मेट विद द सेम फैट शॉर्टली आफ्टर, मतलब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेटर ऑन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रीन ऑफ टेरर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।